इंडियन जूनियर प्रीमियर लीग और जूनियर इंडियन प्लेयर लीग जैसे लीग को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल की मान्यता नहीं मिली है। बीसीसीआई ने आज कहा कि इस तरह के अस्वीकृत टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। IJPL T20 पिछले महीने 19 से 29 सितंबर तक दुबई में खेला गया था। बीसीसीआई ने यह भी साफ किया कि गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी ने भी अस्वीकृत IJPL T20 से अपना नाम वापस ले लिया। बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, हमें पता चला है कि IJPL और JIPL के नाम से कुछ T20 मैच सीरीज टूर्नामेंट या शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। IJPL और JIPL के नाम से होने वाली लीग को BCCI और IPL ना तो आयोजित कर रही है और न ही वे हमसे जुड़े हैं। हमने उन्हें मान्यता भी नहीं दी है। BCCI में रजिस्टर्ड कोई भी खिलाड़ी अगर IJPL और JIPL जैसी लीग में हमारी सहमति के बिना जुड़ता है तो वो BCCI के नियमों की अवहेलना होगी। इस तरह की लीग का समर्थन करने वाले गौतम गंभीर, ऋषि धवन और पारस डोगरा जैसे खिलाड़ियों ने इससे अपना नाम वापस ले लिया है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।